यहाँ से तो रोड ही बह गया हुआ, बड़ी ज़्यादा स्लाइड हुई है। यहाँ से भी रोड गया हुआ है, ये देखो रोड ही है नीचे गया हुआ। रोड तो सारी जगह से निकले हुए हैं यार। सो भोले के भक्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हो आराम से बिना किसी फिक्र के, बस फिक्र होएगी ठंड की। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है तभी, ये देखो बस थोड़ा सा ही खोला हुआ। यहाँ से भी स्लाइड हुआ था, मैं वही बोल रहा था ना, स्लाइड जाए जितना मर्जी मैसिव हुआ हो, प्रशासन ने कर दिया उसको सही, क्योंकि यात्रा है तो उसको करना ही पड़ना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। करीब बाकरी बाकरी साइड पे हो जाओ, बाकरी इतनी सारी बाकरी, छोटी बाकरी बड़ी बाकरी। तो क्लियर तो कर दिया बट सिंगल रोड अभी भी क्लियर कर रहे हैं, वो देखो लगे हुए हैं। अरे इतनी सुनसान गुफा, कोई भी नहीं है, कोई तो आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रोदन ब्लॉग्स। आज है 28th और हम जा रहे हैं मणिमहेश की यात्रा पे। यात्रा वैसे ऑफिशियली 1 तारीख को स्टार्ट है, बट हम प्री यात्रा करेंगे, मतलब कि ऑफिशियली यात्रा स्टार्ट होने से पहले जाएंगे। दैट के जो मेरा भाई या यात्री यात्रा करना चाहता है उसको रोड्स की कंडीशन पता चल जाए कि रोड्स की कंडीशन कैसी है। फाइनली मैं दुनेरा पहुँच गया हूँ। पठानकोट से मतलब जुग्याल से दुनेरा तक की वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड था वो गुम गया था, और यहाँ से मैंने प्रिंस से मेमोरी कार्ड दोनों लिए हैं क्योंकि मेरे पास ड्रोन में भी मेमोरी कार्ड नहीं था और इसमें भी नहीं था, क्या गोप्रो में भी नहीं था, तो मैंने यहाँ से उससे लिए। सो यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ब्लॉग, और ये मेरा पहला ब्लॉग, जैसे पहले मैंने बता दिया कि ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है जो सोलो है। हाँ सोलो राइड है मेरी, क्योंकि पता नहीं यार काफ़ी दिन से था कि मेरे को सोलो जाना सोलो जाना। और एक और चीज़ अच्छी हुई है कि मेरी पहली सोलो राइड यात्रा है मणिमहेश की यात्रा। जुग्याल से दुनेरा तक का रोड बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ डैमेज नहीं हो रखा, सारी चीज़ें सही है। यहाँ से आगे बोलते थे कि कुछ स्लाइडिंग है दुनेरा से आगे। टाइम हो चुका है 11, सो 11 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ। 5 घंटे मिनिमम लगा के चलूँगा मैं भरमौर के लिए, तो 5 से 6 भी लग सकते हैं क्योंकि मैं आज अकेला हूँ और मेरे को कोई फाउंडेशन नहीं है। ओहो यहाँ पे ना वैसे भी थोड़ा सा पानी अंदर ही रहता है। एक ना ये वाला जो रास्ता होता है ना कीचड़ वाला, हाँ यहाँ से था ये जो है ना। ओहो यहाँ से तो रोड ही बह गया हुआ। हाँ तभी वो बोल रहे थे कि रोड नहीं है ये, तो अभी इन्होंने बना दिया हुआ है, तो इट मीन्स इससे पहले तो रोड ही नहीं था ना। हाँ तो आराम से निकलते हैं, रोड सच में नहीं है। और हमारा एक ब्लॉगर ट्रैकर राहुल, वो उस दिन रात को इस रास्ते से गया था जिस दिन ये हुआ था स्लाइड, पागल है वो उसको मैंने कई बार बोला है कि तू ना किसी दिन मशहूर होना हो। आराम से चलो, भी यहाँ पे तो ट्रक भी स्लाइड हो रहे हैं, स्किट हो रहे हैं इस साइड को, तो आराम से चलते हैं। अब आ गया इसको क्रॉस करना, तो यहाँ से हिमाचल में एंट्री होने जा रही है कटोरी बंगला। अब आगे का रास्ता जहाँ तक तो पता चला है कि ठीक है तनुवटी तक। बड़ी ज़्यादा स्लाइड हुई है, यहाँ से भी रोड गया हुआ है, ये देखो रोड ही है नीचे गया हुआ। छोटी मोटी स्लाइड तो हुई नहीं है ना इस बार, रोड ही गए हैं नीचे सीधे सीधे। ये सीज़न में अभी इन दिनों में कोई यात्रा मुश्किल होगी, वैसे वही होगा क्योंकि मेरे को करना है
पहला स्नान, और पहला स्नान होगा राखी के दिन, मतलब कि आज मैं निकलूँगा, कल वो होगी मेरी यात्रा होगी, और परसों मॉर्निंग स्नान करूँगा। परसों है राखी 30th, मतलब 30 अगस्त है, तो मेरे को राखी का पहला स्नान करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं चला हुआ हूँ। तो एक से यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो स्लाइड, अगर ये थोड़ी और स्लाइड होती तो ऊपर से रोड भी नीचे आ जाना था। रोड तो सारी जगह से निकले हुए हैं यार, बड़े बुरे हाल हैं। मतलब कि आप निकलोगे ना, आपको हर 2 किलोमीटर के बाद ना रोड दिखेगा जो नीचे चला गया है पानी के साथ। मतलब कि इतनी स्लाइडिंग हो रखी है ना जगह जगह पे, कि जो कभी वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, ओहो, ये देखो मंदिर के सामने कितनी स्लाइड हो रखी है। अगर ज़्यादा होती तो मंदिर को तो चलो कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता, मंदिर के साथ से स्लाइड नीचे गई है। इसको बोलते हैं भगवान की कृपा। चंबा है यहाँ से 46 किलोमीटर और भरमौर 109 किलोमीटर है। तो एक लड़की को कैमरास। वैसे मेरे को ना रोड पे ना, मतलब कि जो एक ट्रैफिक होती है रेगुलर ये रोडों पे, वो दिख नहीं रही। मतलब पीछे तो मेरे को ये लग रहा था कि जब मैंने पहले बोला था ना, मेरे को ये लग रहा था कि है ही नहीं यार, मतलब कि आगे रास्ता बंद है इसलिए रोड पे ट्रैफिक नहीं है, रास्ता तो खुला है सारा, ओपन है। जहाँ जहाँ से ख़राब हो चुका है वहाँ से ठीक कर दिया हुआ है, इतना कोई इशू नहीं है। मतलब कोई मैसिव जहाँ पे थी वो ठीक हो गया। ऑब्वियस है प्रशासन ने यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा रास्ता क्लियर भी तो करना था, तो उनको भी पता है कि एक को स्टार्ट हो जाएगी तो क्लियर करना है, तो उन्होंने करा है। सो हमने क्रॉस कर लिया है बाथरी क्रॉस कर लिया है, और यहाँ तक रास्ता ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सारा रास्ता ठीक है। मतलब बनीखेत से लेके यहाँ तक कोई ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं है, और हुआ भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि रिपेयर पैच बहुत ज़्यादा कम थे, तो रास्ता सारा ठीक है। और भगवान से यही दुआ चल रही है कि रास्ता ठीक है, भूल गया क्या बोलना था। सो बारिश का माहौल थोड़ा थम गया और धूप निकल आई है। धूप की तरफ देख के ना मेरे को थोड़ी सी ना राहत फील हुई है। और मैं हूँ अभी यहाँ से चंबा है 34 किलोमीटर, मैं वो डैम वाले रास्ते के ऊपर वाले रास्ते हुए, मतलब नीचे वाला रास्ता डैम पे जाता है, डैम से होकर जाएगा, मैं ऊपर वाले रास्ते पे हूँ। और मेरे ख्याल से ये यात्री है यार, अभी मेरे को लगता था कि यात्री नहीं है, बट हाँ है अभी। ये देखो इसको बोलते हैं स्लाइड। ओ कितना बड़ा पत्थर नीचे आया हुआ। धोले होले जलमा। सो हम पहुंचने वाले हैं चंबा। टाइम कितना हुआ है, टाइम बच गया 1 और हम पहुंच चुके हैं चंबा के आसपास हैं, मतलब कि यहाँ से कोई होगा। और सिटी में आते ही जाम की कंडीशन, स्थिति चाहे कोई भी है यार, क्राउड उसमें होता ही है। सो अभी हाँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ चंबा के रास्ते पे। यहाँ से ये रास्ता एक जाएगा चंबा चुकान को, और ये निकल जाएगा भरमौर को। चंबा से आगे ये वाला रोड काफ़ी दूर तक ऐसा अच्छा वाला रोड, उसके बाद ख़राब होगा। जो जब ख़राब रोड स्टार्ट होगा ना, तो फिर ख़राब ही होगा, और क्या है, फिर वो पिछली अगली सारी कसर पूरी करेगा। ये पता नहीं कौन है, HP 9011, इसने क्या ती भैने करी हुई अपनी गाड़ी की। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आता भी, ये देखो बस थोड़ा सा ही खोला हुआ, और जितना सा खोला हुआ ना वो मतलब निकल रहा है, पर जगह ढूंढ रहा है कि मेरे को जगह दो निकलने के लिए।
जैसे आपने अगर वीडियो में देखा होगा तो मलाना डैम अपनी जगह ढूंढ रहा था निकलने के लिए पानी। बस हो गया ऑफ रोड स्टार्ट, ऑफ रोड सारा ऐसा ही होगा मोस्टली। ओहो, यहाँ से भी स्लाइड हुआ है, यहाँ से भी स्लाइड हो रखा है सारा रोड। सही है, धीरे धीरे जालमा। यहाँ से भी स्लाइड हुआ था, मैं वही बोल रहा था ना, स्लाइड जाए जितना मर्जी मैसिव हुआ वो, प्रशासन ने कर दिया उसको सही, क्योंकि यात्रा है तो उसको करना ही पड़ना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मोस्टली जो रोड है वो सही हो चुका, जहाँ से भी जैसा मर्जी स्लाइड था रिपेयर हो गया। ये देखो वो, ये तारों की जगह रस्सियां डाल रहे हैं इसमें, इसमें भी कोई होगा लॉजिक भाई, क्या बोल सकते हैं। यार ये मेरे को ना पर्सनली बड़ा कैंड लगता है, ये वाला जो ऊपर से कहीं से झरना आ रहा है और यहाँ पे हाइड्रो प्लांट लगाया हुआ। आगे जाके दिखाता हूँ मैं सही से। ये देखो कितना ही सही है, कितना कैंड लग रहा है भाई की पावर चेक करो, पावर पूरी बस पीछे करा दिया, अकेला पूरी बस पीछे करा रहा है, पावर चेक करो भाई की। बस 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 भाई मैं निकल जाऊंगा, ये देखा पावर चेक करे भाई की, भाई की पावर बहुत ज़्यादा है, पूरी की पूरी बस पीछे करा दी। नो डाउट रास्ते ख़राब हो रखे हैं, ये भी स्लाइड होकर नीचे आया हुआ, ये भी इसी सीज़न का काम है। तो क्लियर तो कर दिया, बट सिंगल रोड है अभी भी, क्लियर कर रहे हैं वो देखो लगे हुए हैं। हवा कैंट वाली चल रही है, और ये देखो किधर से नीचे आ रहा है, कितना ही सही लग रहा है। आज मैंने ना बड़ी सारी चीज़ें देखी, रोक रोक के चीज़ें देखी। वो देखो घर कितना ऊंचा, आज मैं अकेला था ना तो मेरे को पता था कि मैंने टाइमिंग कैसे डिवाइड करी हुई है, तो मैं आज आराम से आया हूँ बिल्कुल। मैं यहाँ वहाँ पे जा पाया ना फिर मज़ा होना था, अब वहाँ पे कैसे जाऊँ। अरे तैसे दुआ, बट उस साइड से कोई गया हुआ यार, इस साइड से रास्ता कहाँ से आया। अरे मैं इसके अंदर आ गया, और हेलमेट का ना मैं इसके अंदर अकेला चल रहा हूँ, मेरे को डर लगा। अरे इतनी सुनसान गुफा, कोई भी नहीं है, कोई तो आ जाओ। मैंने लाइट दिखाई, मेरे को कुछ दिखा, तो बस मेरे को लगा कि कुछ भी नहीं है। ओ ये टनल तो चलने, इतनी कशमकश के बाद खड़ा मुख आ गया, इतनी देर से इसका वेट कर रहा था, खड़ा मुख नहीं आया, खड़ा मुख नहीं आया, आ गया खड़ा मुख। इसके बाद ना खड़े मुख के बाद रोड ज़्यादा सिंगल हो जाते हैं, और सिंगल रोडों के साथ क्या आता है नीचे ना, इस साइड बड़ी नीचे खाई है जिसमें वो नदी चल रही है। तो डर का लेवल, मेरा कहने का यही मतलब है कि जो डर का लेवल है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और कुछ नहीं, वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से महादेव के पहले दर्शन होते हैं कैलाश के, तो आज ऊपर बादल हो रखे हैं, सो
यहाँ से तो नहीं होंगे, बट हम यहाँ पे मथा यू टेन, ये भी व्लॉगर भाई है भाई, वाइल्ड रोवर। सो फाइनली वी आर द प्लेस, यहाँ से कैलाश के पहले दर्शन होते हैं, बट सामने बादल है सो नहीं हो पाएंगे। और ये भाई लोग आज मिले हैं, ये भाई का, दोनों का किसका है चैनल? वो दोनों का ही है। हाँ तो वाइल्ड रोवर भाई का चैनल है, ये भी आई थिंक कल मेरे साथ ही यात्रा करेंगे। सो फाइनली हम हैं भरमौर। ओए होए होए होए, आई लव भरमौर। ये फंसी हुई है मरुति, ये तो मेरे को नहीं पता ये निकलने वाली है, ये तो नहीं निकलेगी। हाँ वो तेरी भैन। फैन नहीं चल रहा, मैं कहा यात्रा चल रही है। अच्छा ऊपर पठानकोट, अभी छुट्टी हुई है? ओके ये पंकु भाई की प्रॉपर्टी है, पापा के नॉन है तो उन्होंने बुकिंग करवाई थी। तो ये बिल्कुल है कहाँ पे, ये बस स्टैंड और उनके सामने बिल्कुल ये प्रॉपर्टी है। तो अभी मैं उनसे मिला था, सारा सामान छोड़ने के बाद हम मिलेंगे पंकु भैया से। पंकु भाई कैसे हो? बढ़िया। तो ये हैं पंकु भाई की बस स्टैंड के बिल्कुल ऑपोजिट भरमौर पे प्रॉपर्टी है, नीचे रेस्टोरेंट है ऊपर रूम्स हैं। इस बंदे से मैं पहली बार मिला था, बट मेरे को मिलके लगा नहीं कि इस बंदे से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इतना ज़्यादा हेल्पफुल बनता है ना। और इसके जो रेट्स हैं, खाने का जो टेस्ट है वो एक नंबर है। मतलब मेरे को तो दो दिन रहा हूँ मैं, दो नाइट्स वहाँ पे रही है और मेरे को इतना जेन्युइन बिल बनवाया ना। तो अगर आपको यात्रा के ड्यूरिंग या कहीं और टाइम पे यहाँ पे रुकना, तो मैं नीचे इनका नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप जब मर्जी इनको कॉल कर सकते हो। अगर अपने भाई का नाम लोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी इनकी है। बुकिंग का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ड्यूरिंग यात्रा का इशू होता है कि हम आ जाते हैं हमें रूम नहीं मिलता। तो बुकिंग का ऐसे है कि हम पहले बुकिंग करके अपना रूम सिक्योर कर सकते हैं, डैट के किसी रश में या किसी पीछे रश बहुत सा आपने देखा तो क्या है कि जाम में भी फंसे रह सकते हैं। अगर लेट नाइट पहुंचो तो हमें पता होता है कि हमारी बुकिंग कंफर्म है, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं सोए तो कल यात्रा नहीं हो पाएगी। सो हम यहाँ पे हैं, बाइक अपनी यहाँ पे लगा दी हुई है, सामान मैंने ऊपर रूम में पहुँचा दिया। अब पियेंगे हम गर्म गर्म चाय पंकु भैया की, और उसके बाद बाकी देखते हैं क्या करना है। मीनवाइल हम चाय पीते हैं, हमने यहाँ पे ड्रोन शूट लिए थे, तो जब तक हम चाय पियेंगे आप ड्रोन शूट इंजॉय करो। सो 9 बज गया और मैंने डिनर कर लिया। सो फाइनली ये ब्लॉग, तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। रास्ते और हाँ वेदर का रह गया, वेदर यहाँ का क्या है कि अभी यहाँ पे ठंड हो गई है, मैंने कैप भी डाल लिया, यहाँ पे ठंड है, इट मीन्स ऊपर इससे ज़्यादा ठंड होगी। सो अपने वार्मर उसी के अकॉर्डिंग लेके आना, और बाकी ठीक है, कल की यात्रा में मिलते हैं। कल का ब्लॉग यहाँ से हडसर से सीधा शिवकुंड तक होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी होगा मैं अपडेशन दे दूंगा।
तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय भोले।